जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भदोही लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहली बार 2009 में आम चुनाव हुए थे। इस क्षेत्र को संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती है। इनमें से औरई सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में भदोही लोकसभा के प्रत्याशी प्रोफेसर डॉ. राजेश वर्मा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से चुनाव मैदान में है, जो कानपुर यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष और डीन है। यहां 12 मई को 6 चरण का मतदान होगा, जिसके मद्देनजर प्रत्याशी प्रोफेसर डॉ. राजेश वर्मा का भदोही लोकसभा की जनता ने बखूबी स्वागत किया। साथ ही उन्हें काफी समर्थन भी मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं एमएनटी न्यूज द्वारा की गई यह खास बातचीत। मैं नरेंद्र कुमार एमएनटी न्यूज नेटवर्क के लिए भदोही लोकसभा क्षेत्र से कैमरामैन राजेश मौर्य के साथ। सर, आप छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से जीवन विज्ञान के विभागाध्यक्ष एचओडी हैं और संबंधित संकाय के डीन भी हैं। इतने बड़े पद पर होते हुए भी आप यहाँ भदोही लोकसभा से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो ये इसका क्या कारण है? आपने सही कहा कि मैं देश राष्ट्रीय स्तर की विश्व स्थापित विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित जीवन विज्ञान विभाग का हेड एवं संकाय का डीन के पद पर कार्यरत हूँ। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं देश की ज्वलंत एवं करंट समस्याओं पे सोच रहा हूँ और देखता हूँ, और यह अवसर मिला है संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2019 जो संपन्न हो रहा है, माननीय चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। यह चुनाव नहीं है, इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठते हैं, जहां देश की समस्याओं पर चर्चा होती है, उन समस्याओं के निदान के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। इसलिए मैं उन तमाम समाज में व्याप्त असमानता समस्याएं और खास तौर पे ज्वलंत समस्याएं जिससे समाज गुजर रहा है, मैं उन समस्याओं को लेकर के सदन में रखना चाहूंगा और उनका निदान करने की कोशिश करूंगा। और यही नहीं, जो हमारे समाज को बांटने, भटकाने और उनके मुद्दे को बहलाने का काम करते हैं, उन मुद्दों को मैं सदन के पटल पर रख करके उनकी समस्याओं के निदान के लिए सतत प्रयास करूंगा। देखिए, भारतवर्ष में मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, चिकित्सा है, कृषि है, महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकार को जो काम करना चाहिए, जो सरकार विफल है,
जैसे लोक कल्याणकारी नीतियां, हम चाहते हैं उन लोक कल्याणकारी नीतियों को मुद्दा बना करके लाया जाए और समाज में व्याप्त सारी चीजों को दूर किया जाए, यह सारी नीतियां। महिला कल्याण के लिए आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, हमारी पार्टी वर्तमान समस्या को देखते हुए महिलाओं एवं बच्चों को से संबंधित कुछ नीतियां निर्धारित करी है। जैसे हमारी सरकार बनती है, हम सदन में पहुंचते हैं तो महिलाओं के लिए 50% हर विभाग में सीट आरक्षित करेंगे। जो लाखों की संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, जिनकी पर डे की मृत्यु हो रही है, उनको कुपोषण से बचाने के लिए सहायता राशि या सहायता राशि देने हेतु कोई नीतिगत फैसला लिया जाएगा, यह हमारा मुद्दा है। और महिलाओं को गर्भाधान के अवधि में पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आने वाले समय में भविष्य के जो बच्चे होने वाले हैं वो कुपोषण के शिकार न हों, अपंग न हों, यह हमारे पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं। सर ये बताएं, इतनी पार्टियां होने के बावजूद ये नई पार्टी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है जो आपने बनाई, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जी? देखिए, भारत वर्ष में राजनीतिक पार्टियां बहुत हैं, उन पार्टियों ने भारतवर्ष के मूल निवासियों की समस्याओं मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया है। इसीलिए मूल निवासी समाज की तरफ से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जो आज लोकसभा चुनाव 2019 के मैदान में प्रत्याशी के रूप में जिले वाइज चुनाव लड़ने का काम था। शिक्षा के बारे में क्या आपकी योजनाएं रहेंगी भविष्य में सर? देखिए, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ विश्व स्तर का विश्वविद्यालय लेवल का अध्यापक हूँ, इसलिए मैंने इसे बड़ा ही माइन्यूट लेवल पे अध्ययन किया है और देखा है, चाहे शिक्षा प्राथमिक स्तर की हो, माध्यमिक स्तर की हो, उच्च शिक्षा हो या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो, जो गवर्नमेंट की नीतियां इन तमाम सरकारी प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा को निजीकरण के तरफ ले जाया जा रहा है, जहां गरीब परिवार के बच्चों का, उनकी शिक्षा का समान अवसर प्राप्त करना असंभव है। एक तरफ इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जा रहे हैं, एक तरफ करोड़पति लाखपति बच्चों के लिए अलग से महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, वैसी स्थिति में हम कैसे उम्मीद करें कि इस भारतवर्ष के गरीब बच्चों को जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, जो उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो अपनी शिक्षा कैसे पूरी करेंगे, और शिक्षा के बाद आने वाले समय में उन्हें रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त होंगे। जो भी
रोजगार उन्हें प्राप्त है उस रोजगार काम के बदले में उन्हें उचित मूल्य उचित मजदूरी मिले ताकि वह स्वावलंबी बने व आत्मनिर्भर बने। कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी खासतौर पर एडवांस टेक्नोलॉजी और उनको ऋण की सुविधा अगर उपलब्ध कराई जाए तो बेरोजगारी भुखमरी गरीबी काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। वन क्षेत्रों में जिस तरह से वर्तमान पिछली सरकार ने वन की कटौती एवं वन के जमीनों को कौड़ियों के भाव में बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने एवं वहां के जीवन यापन करने वाले गरीब अनुसूचित जाति जनजाति और वनवासी यों को वहां से निकालने और बेघर करने का काम किया है, उसे तत्काल हमारी पार्टी रोक करके उनके जीवन यापन में उनकी गरीबी दूर करने का उपाय करेगी। और साथ ही साथ भूमि का भी सही ढंग से उनकी जनसंख्या के आधार पे उनको भूमि का बंटवारा करके स्वावलंबी बनाने का प्रयास हमारी पार्टी करेगी। सर, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अभी इस लोकसभा चुनाव में? हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव 19 में करीब 13 राज्यों में 100 से ज़्यादा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार करके चुनाव लड़ने का काम। सर, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताएं। पार्टी के मैनिफेस्टो क्या हैं? जी, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं वह शिक्षा है, बेरोजगारी है, कृषि है, महिलाओं एवं बच्चों के लिए आरक्षण है तथा सामाजिक असमानता और अत्याचार को रोकने संबंधित स्वच्छता आवास और स्वास्थ्य है, आर्थिक नीतियां हैं एवं लोक कल्याणकारी नीतियां भी हमारे घोषणा पत्र में समाहित है। सर, चुनाव जीतने के बाद आप किस प्रकार से ये लोकसभा भदोही चुनाव क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर देखिए, भारतवर्षनी विश्व स्तर की कालीन उद्योग नगरी भदोही सरकार की गलत नीयत के कारण दम तोड़ रही है, दम तोड़ने की कगार पे है, जिसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है हमारी पार्टी या हम जीतने के बाद इसे उच्च कोटि का खोए हुए स्तर को पुनः स्थापित करेंगे। रही बात शिक्षा की, इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था के हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ के छात्र विद्यार्थी। सर, आपकी भदोही लोकसभा के नागरिकों के प्रति क्या अपील है, ने क्या अपील करना चाहेंगे? जी, अपने क्षेत्र 78 भदोही लोकसभा के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ एवं उम्मीद करता हूँ कि कैरम बोर्ड चुनाव चिन्ह पे बटन दबा करके अपनी समस्याओं के निदान हेतु हमें सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जहां मैं उनकी आवाज़ बन करके उनकी समस्याओं का निदान करने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर सकूं। सामान देगा, आपको खुद अपनी व्यवस्था करनी होगी, अपने रिसोर्सेज ढूंढ लेंगे। लेकिन रिलायंस को बाबा रामदेव को जब नौकरी करनी होती है, जब उनको फैक्ट्री डालनी होती है,
तो यही सरकार जमीन देती है, रोड बनाती है, बिजली देती है, क्या जरूरत है उनके पास तो संसाधन है लेकिन इस तरह से बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, लोगों का भटकाव किया जा रहा है और लोग बोलने को तैयार नहीं है। जितने लोग हमारे बीच के सदन बैठे हुए हैं कोई इस बात में चर्चा नहीं करता। शिक्षा की व्यवस्था की शिक्षा की रीढ़ बिल्कुल पूरी तरह से प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय तक तोड़ दिया गया, उसमें भी निजीकरण कर दिया गया। क्योंकि आप जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन प्राइवेट में जब हो जाएगा तो महाजन का सवाल ही नहीं होगा, ना आप कह सकते हैं कि एडमिशन हमारे हो, ना आप कह सकते हैं कि पोस्ट में ये हमारा बच्चा जाए, ना वो चाहेंगे तो होगा। यहाँ तक कि आईटी मेडिकल में भी परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है, आपका बच्चा आईटी में जाना चाहेगा नहीं जा सकता क्योंकि उसके परसेंटेज 65 से ऊपर नहीं है तो नहीं जा सकता है। आपके बच्चे जिस स्कूल पढ़ रहे हैं यही हिंदुस्तान, यही भारतवर्ष है। भारतवर्ष में देख लीजिए साउथ में जहाँ एक भी निजी स्कूल नहीं है, केरला वगैरह में 100% वहां शिक्षा है, लेकिन आपके यहाँ प्राइवेट स्कूल डाला जा रहा है, वहां भी डाल दिया जाएगा आगे चलकर। ये व्यवस्था चल रही है, आपको अपंग बनाने की व्यवस्था चल रही है, आपको वहां से खत्म करने की व्यवस्था चल रही है। वही लोग आप कहते हैं कि जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारा वोट देना अधिकार है, वो लोग कहते हैं कि आज के 5 साल के बाद वोट भी देने की जरूरत नहीं है और हमें पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम धर्म संसद बनाएंगे, धर्म संसद में बड़े बड़े आचार्य लोग बैठेंगे, वो भारतवर्ष की दिशा और दशा निर्धारित करेंगे, तय करेंगे। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं? 70 साल में होने के बावजूद भी हमारा 27% और 30% 23% रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पा रहा, फिर भी हमारे लोग सदन में बैठकर ये नहीं कहते क्यों नहीं स्पेशल ड्राइव चला करके इन पदों को भरा जा रहा है, क्यों ठेकेदारी प्रथा लागू की जा रही है, क्यों बेरोजगार किया जा रहा है, ये कौन उठाएगा? ये वक्त आया है, बाबा साहब ने कहा था कि हर 5 साल में हमने वो संविधान दिया है जो हर 5 साल में क्रांति लाएगा, अब वो क्रांति लाएगा जो सरकार बदलेगा और सरकार बदल करके हमारे लोगों को अधिकार दिलाने काम करेगा, वो अवसर आपके सामने आ गया, वो अवसर आपके सामने आ गया है। ये मत नहीं है, वोट नहीं है, इसके माध्यम से आप अपनी बात सदन तक ले जा सकते हैं, आप सरकार की चूल्हे हिला सकते हैं, आप अपनी सारी चीजें करने के लिए, मानने के लिए, सुनने के लिए उनको मजबूर कर सकते हैं। ये डिसीजन आप ले रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, घरों में बैठे रहना चाहते हैं या आप अपनी आवाज